और आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे। उन्होंने विशेष सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 की सफल आयोजन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मूल मिशन की सफलता चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि हम लोग ग्लोबल साउथ की आवाज बने हैं। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्ज्वल भविष्य के संकेत दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिए बिना ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जरूर है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक फैसलों का ये सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये भी है कि आप 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ कर रहे हैं। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा थी, एक प्रेरक पल रहा है। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है, शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है, तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है, पूरे विश्व में जब इस प्रकार की तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं।